दिलाए कि जी हाँ परफेक्ट है और या जी हाँ दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। तो आपको ये चीज पे बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेट गो। मेडिटेशन एक बहुत ही सरल तरीका है अपने एनर्जीज को बैलेंस करने का, क्योंकि लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस है, डे टू डे कलयुग है, लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस है, करियर कॉम्पिटिशन स्ट्रेस, रिलेशनशिप, मनी, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर है। मेडिटेशन एक सिंपल सोर्स है कि आपका माइंड जो थॉट से क्लटर्ड है, जो आपके माइंड जो थॉट से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, उसको सिर्फ शांत करना है, खाली करना है और अपने सौम्य मन के साथ कनेक्ट करना है, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इट्स नॉट इजी, कुछ यहाँ पे करने एक की व्यूवर जरूरत है नहीं। पायल मैम, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक व्यूवर पायल है, वो भी जो है क्वेश्चन लिख रही है बार बार, वो बोल रही है कि मैम आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आप लोग मिले उस दिन के बारे में पूछ रही है, और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिटेशन लोग बहुत सुनना चाहते हैं। तो हाँ तो मैम हम एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, इसमें आप ऐड कर दीजिए कि कोई मंत्र हमें लेना है मैम मेडिटेशन के लिए कि ऐसे ही। बहुत इजी चीज बताती हूँ। पहले तो मैं आपको मंत्र और ये सब तो बहुत एडवांस स्टेज हो गए। सिंपल मेडिटेशन इज जस्ट सिटिंग एंड लेटिंग द थॉट्स फ्लो। बहुत सारे लोग वेलोसिटी का मेडिटेशन, बहुत अलग अलग तरीके की मेडिटेशन करते हैं। वेलोसिटीज, आपने फायर एलिमेंट को देखकर अपना कंसंट्रेशन उधर लगाया। फिर बहुत सारे लोग स्लीप मेडिटेशन करते हैं कि वो शवासन मुद्रा में अपने थॉट्स को, बिल्कुल सिंपल शवासन करते करते आपको बहुत जल्दी नींद आती है, माइंड खाली होता है, योग मुद्रा उसको कहते हैं। सबसे बढ़िया शवासन बट मैम, मैं रोज करता हूँ, रोज सुबह उठ के ऐसे लेट जाता हूँ, शवासन हो हाँ, तो थॉट्स गया। को, तो जो लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल चीज इज डू नॉट गो इनटू द टाइम लिमिट। डू नॉट कि मैं इतना करा ऐसे वैसे। सिंपल 5 मिनट्स ऑफ योर मौन, सिंपल 5 मिनट्स ऑफ सिटिंग इन ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वेरी सिंपली अगर ऐसे बैठ के अगर आप सिर्फ अपने थॉट्स को देखें कि किस तरीके से जा रहे हैं। और जैसे एक बच्चे को हम अनलीश कर देते हैं तो वो हमेशा रोड की तरफ भागता है, तो हमारा ध्यान तो अरे रोड की तरफ भाग रहा है बच्चा, या ऐसे कुछ हो रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपने आप से जब बात करना शुरू हो जाएंगे तो आपको अपने माइंड की पावर पता चलेगी, क्या वो नेगेटिव चीजें सोच रहा है, पेसिमिस्ट हो रहा है, या फिर वो ऑप्टिमिस्टिक चीजें सोच रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज वेयर द अलार्मिंग सिचुएशन इज, व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स, पहले तो आपको उस पर कंट्रोल नहीं करना, व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग, आपको अपने आप में पता लग जाता है अरे मैं क्या सोच रही हूँ। और द मोमेंट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिविटी, आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में भाग रहा है, उसको उसी टाइम स्टॉप, भगवान का नाम ले, ध्यान दे, फिर से दोबारा एक पॉजिटिव। एंड को ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हर हर मतलब कोई बंदा 24/7 परफेक्ट पॉजिटिव मोड में रह सकता है, कोई बंदा 24/7 100। ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, लेट गो ऑफ द इम्परफेक्शन, डोंट जज योरसेल्फ एंड गो विद द फ्लो। आपने मंत्रों की बात करी तो आयुष आपसे अच्छा तो कोई है नहीं मंत्र में, और नहीं महामृत्युंजय जाप के बारे में बताएंगे, आप उस मंत्र के बारे में बताएंगे मेडिटेशन के लिए, फिर मैं भी आपको बताऊंगी बहुत सिंपल सी चीज जो मुझे बहुत हेल्प करती है मेडिटेशन करने में। महामृत्युंजय मैम, आज जैसे आज आज से अच्छा लाइफ शायद ही कभी हो पाए, आज जैसा दिन है ना, अगली बार आप खुद सोचो, मतलब दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, हम लोग ट्यूसडे को बिल्कुल लाइव करते हैं, ट्यूसडे को ही वो डेट पड़ी थी, ट्यूसडे को ही ये डेट पड़ रही है, तो जो भी व्यूअर्स है ना उनके